अटारी मुरीदपुर के किसानों के कोल्हू संचालक 10 लाख रुपए लेकर फरार, थाने पर किया हंगामा, दी तहरीर। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव अटारी मुरीदपुर के किसानों ने मुजफ्फरनगर के कोल्हू संचालक पर क्षेत्रीय किसानों ने करीब 10 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाते हुए थाने के गेट पर हंगामा किया, जिसके विरोध में गांव के किसान इकट्ठा होकर जैसे ही बुधवार को थाने के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को तहरीर देते हुए जमकर प्रदर्शन किया। क्षेत्र के गाँव अटारी मुरीदपुर गांव के रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि मुजफ्फरनगर का एक व्यक्ति गन्ने का कोल्हू चलाता था। उसने कई गांव के किसानों से गन्ना खरीदा था और जल्द ही भुगतान किए जाने की बात कही थी। किसानों ने कई बार भुगतान के लिए तगादा भी किया, लेकिन कोल्हू संचालक टाल मटोल करता रहा। आरोप है कि वह क्षेत्र के गांव दरियापुर, अटारी मुरीदपुर, मोहरका पट्टी गाँव समेत कई किसानों के लगभग 10 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। जैसे ही किसान कोल्हू पर पहुंचे तो कोल्हू भी उन्हें बंद मिला। किसान इकट्ठा होकर बुधवार को थाने पहुंचे और थाने में न्याय की गुहार लगाते हुए तहरीर दी। थाने पहुंचने वालों में सचिन, सत्यपाल सिंह, मोहित, अरुण कुमार, मांगेराम, अंकित, परम सिंह, बाबूराम, लोकेश, देवराज आदि किसान मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने बताया है कि जाँच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने थाने के गेट पर खड़ा होकर प्रदर्शन भी किया। आने आए हुए क्या मामले में आए बताइए? ऐसा है जी, हमारे यहाँ कोल्हू चलता था अटारी में जी, वहाँ से जो है जो ठेकेदार था वो शहनवाज और उसका भाई गुलबार, शहनवाज उसमें से पैसे लेकर भाग चुका है, लगभग 9 लाख रुपए लोगों के किसानों के लेकर भागा हुआ है। अच्छा, गुलबार इस समय थाने में बैठा हुआ है, लेकिन प्रशासन इस समय कोई भी सही से सख्ती दिखा नहीं रहा है। अच्छा, ये जो किसानों का पैसा है वो किस तरह का पैसा है? गन्ने का पैसा है जी। गन्ने का पैसा, कितने किसानों का पैसा है अंदाजा? अब आप लगा लो कम से कम ये 20-25 किसान खड़े हैं यहाँ पे, इनका सभी का ही है। पक्की रसीदें भी हैं। आपने तहरीर दी? तहरीर भी दे रखी है और ये रसीदें भी हैं जी। रसीदें भी हैं, वो ये नहीं है कि फर्जीवाड़ा है। फिर क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ये कह रही जी आप बात कर लो, अपनी अपने आप दे दे तो अच्छी बात। आपका क्या कदम आगे है जी? अब आप क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे साहब, कोशिश कर रहे हैं, थाने के सामने बैठे हैं, और क्या कर सकते हैं सर? कोल्हू चलाने के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए लिए मुझसे एडवांस। अच्छा, कोई बेचने के लिए मैं कोई का काम करता हूँ, कोई दूसरी का। कब की बात है ये? हो गए 3 महीने की। फिर उन्होंने मुझे कोई नहीं दिए। अच्छा, 3 लाख रुपए है मेरे। अब क्या बोलते हैं? अब वो कहते अब तो है नहीं, भाग गए कल। भाग गए? ऐसे कितने किसानों का पैसा है? बहुतों के पैसे हैं। लगभग कितना पैसा होगा? होगा करीब 15 लाख रुपए के आसपास। कोल्हू कहाँ पर है? अटारी। अटारी, हाँ, सानवाज नाम है। अच्छा। एक उसका बहन हुई है असलम, उसका प्रेम धाम पे कोल्हू है, वो मेरे एक ट्रैक्टर ट्रायल ले गया और 1.25 लाख रुपए ले गया। ये साले बहनों दोनों भाग गए कल। कितना पैसा है आपको? मुझ पर 1.25 लाख रुपए है असलम पे, और एक ट्रैक्टर ट्रायल लिया मेरा। क्या नाम है आपका? बेगराम सिंह। अच्छा, आप जो आप थाने में जो आए हुए हो, किस मामले में आए हैं आप? पैसे के मामले में आए हैं, जिनका किया है वो अटारी वाले, उन्होंने बुलाए हैं सब यहाँ। किसने क्या, किस चीज़ का पैसा आपका? गन्ने का पैसा। किसको दिया था आपने? किसी दिया था कोल्हू वाले थानेबाज को। अच्छा, कहाँ पर है कोल्हू? अटारी मुरीदपुर स्कूल पर। कितना पेमेंट आपको? हमारा है 28 क्विंटल गन्ना। अच्छा, हाँ। ऐसे कितने किसानों को गन्ना है वहाँ पर? लगभग 50 किसान। लगभग कितना पैसा होगा? लगभग 8-10 लाख, 15 लाख। ज्यादा मोटा पैसा मिल रहा है। अच्छा, अभी क्या स्थिति, कहाँ पर है कोल्हू वाले? फरार हैं।